चंगरा बंदा वो देख सकते, ये बांग्लादेश का लास्ट पॉइंट है। देखते आप लोग, ये जो आदमी लोग बैठा है ये सब बांग्लादेश का आदमी, कोई गाड़ी से आया। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मेरा बहुत दिन का जाने का प्लान है चंगरा बंदा बॉर्डर, जो बांग्लादेश का आदमी इंडिया का आता है और इंडिया का आदमी बांग्लादेश जाता है चंगरा बंदा बॉर्डर होके। तो गाइस, फाइनली मैं चंगरा बंदा बॉर्डर पे आके पहुंच गया। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे एक भैया का दुकान में आया अभी। तो ये भैया बहुत ही अच्छा है, तो मैं यहाँ पर आके थोड़ा पेप्सी पिया क्योंकि बहुत थका हुआ लग रहे थे, तो इसलिए मैं आ गया यहाँ पर। मैं सिलीगुड़ी से गाइस आया, तो आप लोग सोच सकते हैं कितना थकान हो रहा है। तो इतना थकान के बाद मैं अभी फाइनली पहुँच गया चंगरा बंदा बॉर्डर। और ये बॉर्डर का दूसरा नाम भी है गाइस, ये बहुत सारे आदमी लोग चंगरा बंदा बॉर्डर भी बोलता है, ये बुरीमारी बॉर्डर बांग्लादेश। जितना सारे बड़ा बड़ा जो गेट है ना, जितना बड़ा बड़ा बॉर्डर है उसमें से एक ये चंगरा बंदा बॉर्डर। तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। बांग्लादेश का आदमी जितना सारा है ज़्यादातर यही बॉर्डर होके आता है, और इंडिया का आदमी भी जाता है उधर, लेकिन लीगल तरीके से। तो देखते हैं यहाँ पर, तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहना। मैं दो आर्मी को पूछा और एक पुलिस को पूछा, उन लोग बोल रहे हैं कि बॉर्डर के नज़दीक से आप लोग मत उठाइए, बॉर्डर का इस तरफ इंडिया का भीतर से आप लोग उठा सकते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं ये लास्ट है इंडिया का, इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर का जो लास्ट पॉइंट है ये। तो ये देख सकते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये देख सकते हैं गाइज, वो जो तरकटा दिखाई दे रहा है ना, ऐसा बेड़ा जैसा बांस देखिए जो बेड़ा बनाता है ना गांव में ज़्यादा दिखाई देता है, वो है बांग्लादेश लास्ट बॉर्डर। लेकिन वहाँ पर जाने का हम लोगों का मना है, हम लोग अगर जाएगा तो हम लोगों का BSF थोड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। चंगरा बंदा बॉर्डर इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ये लास्ट है, एकदम लास्ट। तो इसको बुरीमारी बॉर्डर भी बोलता है इसको। तो ये गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए चंगरा बंदा लास्ट बॉर्डर है ये। ये चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है ना गाइस, वो देख सकते हैं ये बांग्लादेश का लास्ट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए हम लोगों को मना है। यहाँ पर सब आदमी लोग पासपोर्ट एंट्री करके इंडिया पे घुसता है। तो गाइस, यहाँ पर बांग्लादेश का आदमी लोग आके सब बैठता है, ये देख सकते हैं इंडिया का आदमी और बांग्लादेश का आदमी, चारों तरफ कोई इंडिया का कोई बांग्लादेश का आदमी पूरा बैठा है इधर। और बांग्लादेश का आदमी यहाँ पर आके गाड़ी में आके यहाँ पर बैठता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये दादा, बांग्लादेश का आदमी यहाँ पर आता है ना, कहाँ पर? सब बांग्लादेश का आदमी है ना ये। तो ये गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये जो आदमी लोग बैठा है ये सब बांग्लादेश का आदमी, कोई गाड़ी से आया, कोई ऐसे ऑटो से आया। लोग दो आर्मी को पूछा, वो लोग यहाँ पर परमिशन दिया कि यहाँ तक आप लोग उठा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बांग्लादेश का आदमी लोग आके यहाँ पर वो देख रहे, और इंडिया का आदमी लोग भी यहाँ पर यहाँ से परमिशन ले के बांग्लादेश में जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग, गाइस ये जो गांव दिखाते रहे हैं ना, ये एकदम बॉर्डर के साथ सटा हुआ है ये गांव। तो आप लोग देख सकते हैं ये एकदम बॉर्डर के साथ, वो जो टीना है ना, टीना का घर है ना, उसका उस तरफ बांग्लादेश है, एकदम ये सटा हुआ ये गांव गाइस। लेकिन यहां पर उतना परमिशन नहीं है, एक आर्मी को पूछा, वो लोग बोल रहे आप पीछे से थोड़ा फोटो खींच सकते हैं। ये जो गाँव है गाइस एकदम सटा हुआ है बॉर्डर बांग्लादेश इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के साथ सटा हुआ है ये गांव। तो गाइस अभी 4 बज चुका है, तो भूख तो लग गया, तो अभी देखते हैं यहाँ का खाना चखते हैं अभी, ये चंगरा बंदा का खाना कैसा होता है। ये गाइस आप लोग देख सकते हैं ये खाना आ गया, ये अंकल खाना देखे गया, थैंक यू अंकल, थैंक यू। क्या क्या है गाइस बॉर्डर साइड का खाना, मोटा चावल ये देख सकते हैं, ये वेजिटेबल गाइस, ये करेला फ्राई और ये आलू फ्राई गाइस, ये देखिए आलू फ्राई और ये दाल,
ये गाइस मछली भी आ गया, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा मछली है। तो खाना स्टार्ट करें गाइस, ये पहले सोयाबीन के साथ स्टार्ट करें। तो गाइस फाइनली खाना हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं मैं होटल में आके खाना खाया, ये चंगरबंदा बॉर्डर के साइड में आके खाना खाया गाइस, लेकिन इतना टेस्टी बनाया ये अंकल। तो आप देख सकते हैं ये अंकल को, ये है अंकल, हमारा अंकल बहुत टेस्टी बनाया, खुद खाना बनाया, ये अंकल खुद खाना बनाया।